मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आपके लिए लेके आया हूं एक और बढ़िया स्पाइसी मॉनसून रेसिपी, क्योंकि भैया बारिशों का सीजन चल रहा है तो कुछ गर्म कुछ तीखा खाने का मन सबका करता है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां पे हम बनाएंगे बढ़िया सी एक भुट्टे की खीस। भुट्टे की खीस एक चाट की तरह खाई जाती है लेकिन बनती बिल्कुल अलग है। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया इंदौरी भुट्टे की खीस एकदम वैसे ही इंदौरी स्टाइल। अभी जो भुट्टे की खीस बनती है उसमें भुट्टे को एक कद्दूकस से ग्रेट किया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है भुट्टे की खीस। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ऐसे नॉर्मल जो कॉर्न आता है उसे आप खरीद लीजिए, कच्चा कॉर्न, साथ में दूध, थोड़ा सा कोकोनट, हरा धनिया, अदरक, लवंग, कड़ी पत्ता, चीनी, थोड़ा सा सौंफ, मस्टर्ड सीड्स, चॉप ग्रीन चिली, और ये है एक स्पेशल जीरावन मसाला, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा नमक मिर्च तो डलेगी, और मूंगफली के तेल में बनाया जाएगा ये बढ़िया भुट्टे की खीस। अब भुट्टे को ना क्रश करना है, पेस्ट नहीं। तो यहाँ पर भुट्टे को क्रश कर दिया गया है, ये देखिए। अब इसे पकाया जाएगा। चलिए सबसे पहले भारत गैस ऑन कर लेते हैं। मूंगफली के तेल में भुट्टे की खीस को बनाया जाएगा। अब भुट्टे के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है जिसको भुट्टे का दूध भी कहा जाता है, और उस मॉइस्चर को हमें सुखाना है, तेल में पकाना है, लेकिन हमें तो मसाले भी चाहिए ना, थोड़े से मतलब टेस्ट चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पर तेल के अंदर डालेंगे ये छोटे बहुत मसाले, राई का दाना, सौंफ, लवंग और हल्का सा ज़ीरा। सबसे पहले मूंगफली के तेल में डलेगा थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा सा राई का दाना, साथ में थोड़ी सी सौंफ और साथ में दो तीन लवंग के दाने, ये से एक बढ़िया सा फ्लेवर देंगे। अब सूखे मसाले तो खड़े वाले ये इसके अंदर गए। अब जाएगा जी तड़का कड़ी पत्ते का, साथ में थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च। अगर आपको तीखा खाना है तो बढ़िया से डालिए, कम खाना है तो कम डालिए, और साथ में चॉप किया हुआ अदरक करीबन एक चम्मच। और अब ये क्रश किया हुआ जो भुट्टा है ये इसके अंदर सीधा डाल दिया जाए। अब ये जो तड़का है इसके साथ इस भुट्टे को थोड़ी देर भूनना है, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध उसके साथ इसे अच्छी तरह से पकाना है। दूध एकदम थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि भुट्टे की जो मिठास है उसको थोड़ा सा और लिफ्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर नमकीन भी होगा, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा, एकदम क्रीमी भी होगा, यही तो है भुट्टे की खीस की खासियत। अब ये दूध के साथ जब भुट्टा पकता है ना तो दूध की मिठास भुट्टे की मिठास मिलके होती है एनहेंस। साथ में इसमें मिर्च गई है, अदरक गया है, साथ में लवंग गई है, सौंफ गया है, काफ़ी सारी चीज़ें गई हैं। अब डालेंगे जी इसमें थोड़े से बेसिक मसाले, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, और साथ में इंदौर का स्पेशल जीरावन मसाला। अब ये जीरावन मसाला क्या है? अरे भैया इसमें जीरावन मतलब जीरा तो है ही है, लेकिन साथ में और भी कई सारे मसाले हैं, खट्टा होता है, नमकीन होता है, मिर्च होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये पोहे पे डाली जाती है, इसके अंदर डाली जाती है, अंदर भी आएगी और ऊपर भी। इसे तब तक पकाना है जब भुट्टा एकदम अलग अलग भुरभुरा ना हो जाए। कुछ चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं लेकिन इतनी फ्लेवरफुल होती हैं। इसमें वो भुट्टे की सारे फ्लेवर हैं, वो जो मीठा नोट आता है भुट्टे का वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उसको काट रहा है मिर्च, अदरक, साथ में जीरावन, सौंफ का टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है ये, बहुत ही सिंपल फ्लेवर है और पकाने में भी बहुत आसान। इन बारिशों के सीज़न में सिर्फ भुट्टा भून भून के मत खाओ, ये भी बनाओ। अब आखिर में इसमें जाएगा जी थोड़ा सा अमचूर का पाउडर।
जीरा वन में भी हल्की खटास होती है, लेकिन और थोड़ा सा खट्टा मज़ेदार हो जाएगा। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, भुट्टे की खीस पे फाइनली थोड़ा सा और जीरा वन मसाला, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और फ्रेश कोपरा है तो बहुत बढ़िया, वही जाता है। अगर नहीं है तो डेसिकेटेड भी चलेगा। इंदौर की स्पेशल भुट्टे की खीस इस संडे आपकी हुई। अब आपको ये बनाना है, अपने दोस्तों में फैमिली में प्यार बांटना है और इस मानसून में ये गर्मा गर्म खीस को बना लेना है। और साथ साथ भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहां पर आपको ऐसी टेस्टी रेसिपीज हम दिखाते आ रहे हैं और दिखाते रहेंगे। हैप्पी संडे।